यात्रा का रूप नहीं, एक जन सैलाब इस यात्रा ने लिया और लोगों में बड़ा उत्साह है। अगर राहुल गांधी की यात्रा आ रही है और उसने एक तीसरी लहर लाने लग रही रोक कर खातिर कोरोना की, आदमी है ना दो चीज जड़ रहा है, एक जाड्डा और एक ठाडा, ठीक है। राहुल गांधी जी ना जाड्डा डर दे ना ठाडा डर दे, अच्छाई तो इन्होंने सोचिए नहीं, जब सोचिए नहीं तो करे था कितने जो ठग बंधन है इन जो हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बैठा कदम ताल आपने देखा वो आईडी तो टेक दे नहीं, पंजा पंजा रहे हम भी तोड़ किया बोलिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा का सबसे हौसले वाला विधायक अभी मेरे साथ है, इंदुराज बालू नाम तो आप जानते हैं भाई। भाई कितना हौसला बजाय भाई, हौसले का कोई और नहीं, सब तो पहले तो जो सत्य न्यूज खबर देखने वाले हैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ गए राम राम। और भाई ज्यादा से ज्यादा इस दादा पंडित का सहयोग करो और इस चैनल धड़ाका चल रहे दो, ये बता दा हौसला की पूछू था इस यात्रा जब से हरियाणा में कुछ बढ़िया। और दादा इतना हौसला है, इतना हौसला है, आपने देखा होगा जब तक हरियाणा में यह यात्रा आई मेवात से शुरुआत थी, एक यात्रा का रूप नहीं, एक जन सैलाब इस यात्रा ने लिया और लोगों में बड़ा उत्साह है। और सब तो बड़ी बात आपने एक बात बता दूँ दादा, जब जिस आदमी ने राजनीति तो कोई मतलब नहीं होता, जो बेचारा किसान है एक मजदूर है छोटा, उसको जब वो जिक्र करने लग जाए ना गाँव में, अगर राहुल गांधी की यात्रा आ रही है और उसने एक तीसरी लहर लान लाग रही रोक कर खातिर कोरोना की, इस बात का ना आम आदमी में चर्चा है तो इसे आप नु मान जाओ अगर भाई इस यात्रा का कोई जोड़ नहीं और कोई तोड़ नहीं। और सुनो, आदमी है ना दो चीज जड़ रहा है, एक जाड्डा और एक ठाडा, ठीक है। राहुल गांधी जी ना जाड्डा डर दे ना ठाडा डर दे, कह रहे हैं देख रहे दोनों काम है ना जाड्डा तर ना ठाडा दे। कल तो आपने भी ठाडा काम कर दिया, कबड्डी का मैच करवा दिया हरियाणा पंजाब का। देखिए कबड्डी का मैच की बात ऐसी है, राहुल गांधी जी यहाँ यात्रा आई तो मेरे नेता हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारी आपस में बात हुई, अगर जी हरियाणा में आए तो हरियाणा का कल्चर की जो बात है, जो हरियाणा की असली पहचान है, जैसे कहते हैं भाई जय जवान जय किसान और जय पहलवान, ये नारा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने दिया। 10 साल की सरकार में देखे आपने बहुत से खिलाड़ी, जो आप जो सर्कल कबड्डी अकल मैच था, इस मैच के जो खिलाड़ी थे जो सर्कल कबड्डी थी, इनको बेचारे को कोई नहीं पूछा करता, आज भी नहीं पूछ रहे, पहले भी नहीं पूछा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पाकिस्तान और इंडिया का अलग वो हुआ था मैच इस समय सराणा में, तो वहाँ घोषणा करी थी अगर जितने भी इंडिया की टीम है इनको सबको हम भर्ती करा गए, उस सर्कल कबड्डी के 14-28 खिलाड़ी भर्ती करे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, और एक बड़ा नारा दिया भाई जय जय जवान जय किसान जय पहलवान। यात्रा में आप लोग चल रहे हैं, यात्रा में चलते चलते सरकार की भी कुछ अच्छाई से हमें आवे कि सारी बुराई हटो, अच्छाई हो तो जब आओ ना भाई, आप भी पत्रकार साथी हो, यो पूरा हरियाणा आपने देखा है घूम के, आपको हर व्यक्ति मिलता है, अच्छाई तो इन्होंने सोचिए नहीं, जब सोचिए नहीं तो करे था कितने, हो गया था ना भाई 100 नंबर का वो है एक आपका इम्तहान है उसमें कह नंबर है, इसका तो माइनस आए, इसको माइनस आए, एक नंबर भी इसको नहीं देने का काम करा पूरा हरियाणा प्रशासन। देखा कोई भी वर्ग कोई भी समाज कोई भी आपने देखा सब रोड पे पूरे आंदोलन, आप कर्मचारी को देख लो, आप व्यापारी को देख लो, आप किसान को देख लो, मजदूर को देख लो, सब आंदोलन ही आंदोलन हरियाणा प्रदेश का जितना बेड़ा कर किसी बीजेपी सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने और जेजेपी की इस दुष्यंत सरकार ने जो गठजोड़ रही हो जो ठगबंधन है इन जो हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बैठाया सारा हरियाणा प्रदेश। एक बात और बताओ, राहुल के लिए चलते आने ज्यादा कुछ कम लागण लग गया ना, ज्यादा हमने भी नहीं लगता, तो मेरा भी पसीने आ गए थे इतनी दौड़ लगवा में, वैसे दौड़ नहीं बड़ी, एक तो बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में लोग हो जाते हैं, अरे राहुल जी बड़े कदम ताल आपने देखा वो आईडी तो टेक दे नहीं, पंजा पंजा रहे हम भी तोड़ किया बोलिया जब उनका साथ रहा हम। और एक इस यात्रा का इतना बड़ा मैसेज है कि आप देखा आप एक एक बड़ी बात और देखो, आप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की उम्र 76 साल है, हैं बड़े कमाल देखा हुआ आपने पूरी यात्रा पैदल है, राहुल गांधी जी से 2 कदम आगे रहे हैं, देख लो आप
कितनी बड़ी बात है, हम भी पीछे रह जाएं। हरियाणा में भी कदम बढ़ जाएंगे कांग्रेस के? बढ़ गए, हरियाणा में तो पहले से मजबूती थी, लेकिन इस यात्रा से बड़ी मजबूती। आपने इन दिखा था 75 पार और हम चैलेंज ग्रुप 85 पार। कांग्रेस की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये आज मेरे को पीरियड लेना होना, अपना आप ले लो, मैं देने तैयार हूँ। ले भाई, छाते ठोक दावा है इंदू राजबालू का कि वे एफिडेविट लिख कर दूँ सरकार कांग्रेस की आएगी, तो हम भी संभाल कर रखी हुए इस चीज़ ने। हाँ। जीत जावे तो नहीं कह दियो, देखो हम इन्हें पहले ही कह दी थी बात है, अरे भाई कोई ऊक चूक लाग जावे तो टाइम पर काम भी आओगा। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य सटीक बेबाक।